अस्सलामु अलैकुम। एडोल्फ हिटलर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा और मेरे भाइयों मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, हिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ा होगा और कई जगह न्यूज़ में भी अक्सर वो ट्रेंड करता रहता है, क्योंकि उसने यहूदियों का बहुत बड़ी तादाद में कत्ल करवाया था। जी हाँ, उसने तकरीबन 50 से 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवाया था। ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन उसने कत्ल क्यों करवाया था ये बात हमें नहीं पता है। RH Networks ने इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो डाला है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के दौर में हम लोग जब कभी भी यहूदी लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इसराइल का नाम आता है, क्योंकि ये इसराइल न सिर्फ खुद यहूदियों के मुताबिक पूरी दुनिया में उनका इकलौता देश है, बल्कि उनकी प्रॉमिस लैंड भी है। मतलब एक ऐसी जमीन के जिसका खुदा ने उनसे खुद वादा किया था। इसराइल नाम की ये स्टेट सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद सन 1948 में वजूद में आई थी। मगर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि जब इसराइल ही 1948 में वजूद में आया था तो इस पूरे इलाके में जो यहूदी रहते हैं वो आखिर 1948 से पहले कहाँ हुआ करते थे? जहाँ भी हुआ करते थे वहाँ किस हाल में हुआ करते थे और किस तरह से जिंदगी गुजारा करते थे? तो दोस्तों, जब कभी भी हम लोग यहूदियों के इतिहास में 1948 से पीछे जाते हैं तो जिस इंसान का नाम हम लोगों को सबसे पहले नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एडोल्फ हिटलर है। वही एडोल्फ हिटलर के जिसने न सिर्फ जर्मनी पर राज किया था बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह भी बना था। एडोल्फ हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही लगभग 50 से 60 लाख के करीब यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। हिटलर यहूदियों से कितनी ज्यादा नफरत किया करता था, इस चीज का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी दुनिया से यहूदी कौम को ही खत्म करके दम लेगा। और अपने पागलपन से भरे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हिटलर ने वक्त वक्त पर यहूदियों के खिलाफ ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि जिससे उस दौर में पूरी ही दुनिया हिलकर रह गई थी। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी ज्यादा नफरत किया ही क्यों करता था, वो भी इतनी ज्यादा कि वो पूरी दुनिया से ही इन लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है हिटलर की आइडियोलॉजी, मतलब कि हिटलर की मानसिकता। हिटलर की मानसिकता ये थी कि ये जो यहूदी कौम है ये दरअसल एक गद्दार कौम है। वो हमेशा ये माना करता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन लोगों की हार हुई थी वो हार बिल्कुल भी नहीं होती अगर यहूदी कौम जर्मन में मौजूद न होती, क्योंकि यहूदी लोगों ने अपने ही वतन के साथ गद्दारी की और अपने ही दुश्मनों का साथ दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हिटलर की यहूदियों से नफरत की एक और वजह यह भी थी क्योंकि हिटलर बराबरी के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करता था। मतलब उसके मुताबिक दुनिया के जो सारे लोग हैं, जो सारी नस्लें हैं, वो बराबर नहीं हैं, बल्कि उसके मुताबिक तो जो जर्मन आर्यन कौम थी, मतलब कि उसकी खुद की कौम, वो दुनिया में सबसे आला है और वही पूरी दुनिया पर राज करने की असली हकदार है। अब जाहिर है, अपने इस कानून के हिसाब से हिटलर अपनी खुद की कौम के अलावा बाकी सारी कौमों को गुलाम और कमतर ही समझा करता था। मगर अब क्योंकि यहूदियों से नफरत करने की और भी उसके पास वजह थी, तो इसलिए यहूदियों को ज्यादा टारगेट पर लिया। दोस्तों, अगर आप लोग हिटलर की मशहूर किताब माइन कैम्फ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी किताब में बड़े ही लंबे लंबे पैराग्राफ में ये समझाने की लोगों को कोशिश की है कि मैंने अपनी जांच पड़ताल में ये पाया है कि दरअसल यहूदी एक सीक्रेट मिशन पर हैं और वो सीक्रेट मिशन है पूरी दुनिया पर राज करना। ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। हिटलर ने लिखा है कि ये लोग हमेशा मुत्तहिद होकर रहते हैं, यानी यूनाइटेड रहते हैं और हमेशा अपनी ही नस्ल की बर्तरी के लिए काम करते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हजारों साल पहले इन लोगों के खुद के मुताबिक खुदा की तरफ से इनको पूरी दुनिया की हुकूमत देने का वादा किया गया था, जिस चीज को ये लोग आज भी नहीं भूले हैं और इसीलिए आज भी अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए यूनाइटेड कोशिश करते रहते हैं। हिटलर अपनी इसी किताब में लिखता है कि यहूदियों की तो बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है।
ये लोग पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक मजहब के तौर पर पेश करते हैं, मगर ये एक मजहब यानी कि एक रिलीजन नहीं, बल्कि यहूदी तो सिर्फ और सिर्फ एक नस्ल है। याद रहे दोस्तों कि जिस दौर में हिटलर अपनी किताब में ये सब कुछ लिख रहा था, ये वही दौर था कि जब यूरोप में ज़ायोनिस्ट नाम का एक ग्रुप एक्टिव हो चुका था। ये वही ग्रुप था कि जो फिलिस्तीन के इलाके में ज्यादा से ज्यादा यूरोप के इलाके से यहूदियों को ले जाकर आबाद कर रहा था, ताकि आगे चलकर इसी जगह पर अपना एक नया देश, अपनी एक नई स्टेट बनाई जा सके। जाहिर है हिटलर भी इन सब चीजों के बारे में सुबह शाम पढ़ रहा था, इसीलिए उसने अपनी इस किताब में इस स्टेट के बारे में भी लिखा है। उसने लिखा था कि फिलिस्तीन के इलाके में यहूदी लोग इसराइल नाम का ये देश इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि वहां पर जाकर रह सकें, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि आलमी तौर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, ये जितनी भी लूटपाट करें या जो भी गलत काम करें, उसके बदले में इनको महफूज जगह मिल सके। मतलब वहां पर ये सिर्फ अपना एक हेडक्वार्टर बनाएंगे और जितने भी लोग किसी भी तरह से गलत चीजों में पकड़े जा चुके होंगे और जिनकी कहीं पर नहीं चल रही होगी, वो यहां पर आकर महफूज रह सकेंगे। दोस्तों, ये तो यहूदियों के बारे में हिटलर के चंद विचार ही थे जिनको हमने बहुत शॉर्ट में ही आपके सामने पेश कर दिया है, वरना उसने अपनी किताबों में ऐसी ऐसी लंबी चीजें लिखी हैं कि जिसको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आप ये समझिए कि हिटलर की इस खतरनाक नफरत का ही नतीजा था कि हिटलर ने जैसे ही जर्मनी की हुकूमत संभाली थी, वैसे ही जर्मनी के पूरे इलाके में यहूदियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसने शुरू से ही यहूदियों के ऊपर इस तरह की खतरनाक पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थी कि जिसकी वजह से अब यहूदी बड़ी तेजी के साथ जर्मन को छोड़कर भागने लगे थे। मगर जाहिर है हर यहूदी तो अपना घरवार नहीं छोड़ सकता था। फिलहाल हिटलर की तरफ से यहूदियों के खिलाफ जो खतरनाक कदम उठाए गए थे, उनमें से एक ये भी था कि उसने शुरुआती दौर में ही एक ऐसा कानून पास किया था कि जिसके तहत अब उसके पूरे इलाके में रहने वाले हर यहूदी के लिए ये जरूरी था कि वो अपने नाम के साथ एक नया नाम जोड़े। मतलब जो यहूदी मर्द था, उसके लिए जरूरी था कि चाहे उसका नाम जो कुछ भी हो, मगर वो अपने नाम के साथ इजराइल लगाएगा। जबकि जो औरत थी, उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपने नाम के साथ सारा लगाएगी। और यही वो दो नाम थे कि जिनकी वजह से अब कुछ महीनों के अंदर ही पूरे ही जर्मन या फिर आसपास के इलाके में हर यहूदी को उसके नाम से ही पहचाना जा सकता था। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि कुछ वक्त के बाद तो वहाँ की गवर्नमेंट ने यहूदी लोगों से उनका पासपोर्ट भी ले लिया था और उनको एक नई तरह का पासपोर्ट दिया गया था जिस पर एक ऐसी मोहर लगी हुई थी कि जिसको देखकर ही समझा जा सकता था कि ये जर्मन के बाकी लोगों का पासपोर्ट नहीं है, बल्कि ये तो यहूदी लोगों का पासपोर्ट है। वक्त थोड़ा और गुजरा, फिर तो हिटलर की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कानून बना दिया गया कि यहूदियों को अपने पहने हुए कपड़े पर एक खास तरह का बैच लगाना जरूरी है, जिससे सड़कों पर ही पहचाना जा सके कि ये इंसान जो इधर से जा रहा है, ये दरअसल यहूदी है। सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं, बल्कि इस तरह का खास बैच अब उनके घर के दरवाजों पर भी लगाना जरूरी कर दिया गया था। मतलब घर देखकर हर इंसान समझ सकता था कि ये यहूदी का घर है या फिर गैर यहूदी का घर है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, यहूदियों का हिटलर के इलाके में रहना दुश्वार होता जा रहा था। सरकारी नौकरियां उनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दी गई थीं, जबकि प्राइवेट नौकरी जो उनको मिलती भी थी, तो ऊंची पोजीशन पर नहीं बैठाया जाता था। और ना बैठाने की वजह यही थी क्योंकि जिस तरह की हिटलर की मानसिकता थी, वही मानसिकता को पूरे ही इलाके में फैला दिया गया था। और वो मानसिकता यही थी कि ये लोग गद्दार हैं और इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों के साथ गद्दारी की थी, और ये लोग हम लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं, बल्कि अपने ही देश का बुरा चाहते हैं। वक्त के साथ अब हिटलर के पूरे इलाके में यहूदियों के खिलाफ इतनी खतरनाक नफरत फैल चुकी थी कि आए दिन कभी उनकी दुकानों को जला दिया जाता था, तो कभी घरों को जला दिया जाता था। हजारों सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ यहूदी लोग अपना घर बार खो देते थे, बल्कि वक्त वक्त पर उनकी जानें भी चली जाती थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, बल्कि डर और खौफ का जो असली खेल है, वो तो दरअसल साल 1939 मतलब 1939 से शुरू हुआ था, जब हिटलर की फौज ने बड़ी तेजी के साथ यहूदियों को चुन चुन कर ढूंढना शुरू किया और फिर उनको लाकर अपने कैंप्स में भरना शुरू कर दिया। हिटलर की फौजें कैंप्स के अंदर न सिर्फ यहूदियों को बुरी तरह से सताया करती थीं, बल्कि उनसे खूब काम भी लिया करती थीं। वैसे तो उस दौर में यूरोप के एक बड़े इलाके में हिटलर की तरफ से यहूदियों के लिए बेशुमार कैंप्स तैयार करवाए गए थे, मगर इन सारे कैंप्स में भी जो कैंप सबसे ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, वो दरअसल पोलैंड का वही कैंप्स था कि जिसको आज के दौर में ऑशविट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कैद किए गए यहूदियों के साथ तो वो सलूक किया गया था कि जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है।
पोलैंड में मौजूद यही वो कैंप था कि जिसके अंदर लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया, बल्कि एक एक बार में सैकड़ों और हजारों की तादाद में यहूदियों को खत्म किया जाता था। हिटलर की जो खुफिया एजेंसीज थी, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो यूरोप के एक बड़े इलाके से ढूंढ ढूंढ कर यहूदियों को लाया करती थी और इस तरह के खतरनाक कैंप्स में लाकर बंद कर दिया करती थी। हिटलर के ये जो खतरनाक कैंप्स थे, इनके अंदर बड़े बड़े हॉल भी हुआ करते थे कि जिनको गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा खास हॉल हुआ करता था कि जो हर तरफ से पूरी तरह से पैक था और फिर इस पैक हॉल में हजारों लोगों को एक साथ लाकर बंद किया जाता था। बंद करने के बाद इसके अंदर जहरीली गैसेस को छोड़ दिया जाता था और फिर जो अंदर बंद लोग हुआ करते थे, उनकी बड़ी ही बेदर्दी के साथ दम घुटकर मौत हो जाती थी। इस तरह से सिर्फ एक ही बार में हिटलर की फौज की तरफ से सैकड़ों या फिर हजारों यहूदियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह के कुछ खतरनाक और दर्दनाक तरीकों को इस्तेमाल करके हिटलर ने सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल के अंदर ही हमारी दुनिया के लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया था। हालांकि मरने वाले यहूदियों का एक बड़ा नंबर ऐसा भी था कि जिनकी मौत इन कैंप्स में बंद होने के बाद भूख या फिर खतरनाक सर्दी से हो गई थी। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो एडोल्फ हिटलर को हार का सामना करना पड़ा था और इस हार का सामना करने की वजह से ही उसने खुदकुशी कर ली थी। इस हार के बाद ही यूरोप में रहने वाले यहूदियों की जान में जान आई थी और हिटलर की तरफ से यहूदियों के ऊपर होने वाले इस जुल्म और सितम के बदले में मिली हुई हमदर्दी का ही नतीजा था कि जब 1948 में यहूदियों की तरफ से एक नया देश यानी कि इजराइल बनाने की कोशिश की गई, तो लगभग ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उनको भरपूर सपोर्ट मिला, न सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट्स का बल्कि वहाँ की आम पब्लिक का भी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो की मदद से काफी कुछ समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिटलर ने यहूदियों का कत्ल करवाया और उसके पीछे का रीजन जो है वो बहुत ही दर्दनाक है। तकरीबन 50 से 60 लाख लोगों का कत्ल करना ये कोई आम बात नहीं है या फिर एक पल के लिए इसको याद करके दोबारा भूलने वाली चीज भी नहीं है ये। और हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि किसी बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाए और एक पढ़ा लिखा मुसलमान कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर चाहे यहूदी आज हमारे ही मुसलमान भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारा उम्मीद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से है और अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में इस चीज़ का फैसला कर देगा। हिटलर बेशक गुनाहगार था, गलत था, किसी भी रिलीजन के लोगों को, किसी भी एक पार्टिकुलर लोगों को एक करके इकट्ठा करके इतने बड़े तादाद में कत्ल करना, बेशक हम कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ का हिसाब लेगा, फिर चाहे वो दुनिया से जा चुके हो या फिर वो दुनिया में आने वाले हों। जो भी इंसान का कत्ल करेगा, एक इंसान का कत्ल करना मतलब पूरी इंसानियत को कत्ल कर देना, ये कुरान हमें सिखाता है। तो हम किस तरीके से इस सब चीज़ों को सपोर्ट करेंगे? इस वीडियो पर रिएक्शन देने का बस मतलब इतना ही था कि इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना हमारा मेन मकसद था। अगरचे आज यहूदी जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला आज नहीं तो कल हमें इंशाल्लाह फतह देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे नफरत करने लगे और गलत चीज़ों का भी सपोर्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। हमारा इस्लाम इस चीज़ का कभी भी इजाज़त नहीं देता है और अगर हम गलत करेंगे, जज्बात में आएंगे, तो बेशक हम अपना आखिरत ख़राब करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।